चलो आज है ना बढ़िया वाली मिठाई ट्राई करते हैं मतलब हालांकि मिठाइयों का अभी सीजन गया ही गया है मतलब <laughs> मिठाइयाँ तो अभी आपके घर से छू बन हुई होगी तो क्योंकि दिवाली आई थी और वो चली गई <laughs> मतलब दिवाली की मिठाइयाँ अभी ख़त्म हो चुकी होगी तो एक और चीज़ बना सकते हो इंस्टेंट है मतलब ट्राई कर सकते हो तो यहाँ पे आपको दूध को ना क्या करना है अच्छे से ना मतलब दूध में दो चम्मच शक्कर डाल के इसको बॉयल करना है और फिर इसमें ना दो चम्मच मिल्क पाउडर डालना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है अब मेरे को यार यहाँ पर समझ नहीं आया कि येलो कलर आया तो आया कहाँ से मतलब यार मैंने येलो कलर था ना तो कहीं से कहीं तक मैंने इसमें डाला है चलो कोई बात नहीं फिर इसमें मैंने एक चम्मच है ना मिल्क पाउडर और डाल दिया मुझे कम लगा तो तो ये कुल है ना तीन चम्मच मैंने मिल्क पाउडर की बनाई है और है ना फिर इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया तीन चम्मच बोले तो दस रुपये का जो एक पाउच आता है ना वही पूरा यूज कर लेना और बस घी डाल के अच्छे से मिक्स करके इसको ना फ्रीजर नहीं फ्रीज में रख दो मतलब फ्रिज में थोड़ी सी देर सेट होने के लिए तो है ना दो टाइप से बन जाएगा तो उसको ना हाफ मैंने ना दो पार्ट में डिवाइड करा और एक में मैंने ना ग्रीन कलर मिला लिया और एक को मैंने सिंपल ही रहन दिया अब यार बोलने में बहुत बेकार लग रहा है यार येलो <laughs> मतलब ना वाइट होता है तो कितना बढ़िया लगता ना पर कोई बात नहीं येलो ही ठीक है <laughs> तो बस इसमें ग्रीन कलर अच्छे से मिला मिला के मैंने क्या करा जो येलो कलर की जो बॉल थी ना उसमें मैंने थोड़ी सी छोटी सी बॉल बनाई और दूसरे वाले ग्रीन कलर के पार्ट्स हैं ना थोड़ा सा हाथों की से तो उसको फ्लैट करके उसके अंदर है ना बॉल को डाल दिया मतलब एक लेयर बना दी ऊपर ग्रीन कलर की ताकि बस सुंदर दिखे टेस्ट तो वही का वही रहेगा कुछ चेंजेस तो होगा नहीं तो बस ये इसमें डाल दो मतलब अच्छे से ना लेयर कर दो ऊपर और उसको गोल गोल कर दो फिर इसको फ्रीजर में थोड़ी सी सेट होने के लिए रख दो फिर एक बार सेट हो जाए ना उसके बाद क्या होगा इसकी शेप ना थोड़ी सी चपटी चपटी सी हो जाएगी एक बार और उसको हाथों से ना मतलब गोल गोल कर लो और फिर इसको सर्व करो सही में यार मतलब अच्छा मतलब टेस्ट तो बहुत ही अच्छा करती है ये क्योंकि मिल्क पाउडर को ना आप पकाया है ना तो उससे क्या होता है वो अच्छा टेस्ट करता है अगर हम ना मिल्क पाउडर में पहले से ही दूध डाल के शक्कर डाल के डो लगा लेते हैं ना तो कच्चा कच्चा सा टेस्ट करता है और ये वाली जो है ना ये बिल्कुल मार्केट वाली जो मावे वाली मिठाई आती है ना बिल्कुल वैसा ही सा टेस्ट करता है तो ये ज़रूर से ट्राई करना है ना मतलब ट्राई तो कर ही नहीं ना अच्छी रेसिपी है ट्राई करना चलो बाई